दोस्तों, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शामिल करते हैं बैन अल-अक़वामी स्टोरी। जी हाँ, आप लोगों को बताते हैं कि दुनिया में आने वाले दिनों के अंदर कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो मुसाफिरों से खचाखच भरा रहेगा, या फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा मुसाफिर आने वाले दिनों में ट्रेवल करने वाले हैं। मैं हूँ जहाँ जेब से भी, आप सुन रहे हैं मस्त FM 103 की नशरियात कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में हमारी एयरवेव्स पर, जबकि दुनिया भर में आप लोग हमारे स्ट्रीमिंग लिंक और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में हमें सुन रहे हैं। हमारी नशरियात के कुछ हिस्से आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगले चंद हफ्तों तक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतहा का रश होगा। पाकिस्तान, भारत समेत मुतद्दिद ममालिक पर से पाबंदियां हटने के बाद अगले चंद हफ्तों में लाखों मुसाफिरों की आमद मतवक्को है। मुतहदा अरब अमारात UAE की जानिब से भारत, पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक के मुसाफिरों पर आयद पाबंदी आज से खत्म हो रही है। इसके अलावा कई ममालिक के मुसाफिरों को ट्रांजिट वीजा पर भी अमारात में मुख्तसर कयाम की इजाजत होगी। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका में लाखों अमाराती वीजा होल्डर इस वक्त फंसे हुए हैं और वो फौरी वापसी के मुंतजर हैं। इस हवाले से हुकाम को आने वाले हफ्तों में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की ट्रैफिक में इजाफे की उम्मीद है। अमारात रवां हफ्ते पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगेंडा का सफर करने वालों पर पाबंदी भी उठाएगा। ये पाबंदी इन मुसाफिरों से हटाई जा रही है जिनके पास अमारात का अकामा या जिन्होंने UAE की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन लगवाई हो। दुबई एयरपोर्ट पर आने वाले दिनों में मुसाफिरों के ज्यादा होने की एक वजह बरतानिया की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और भारत में मुकीम मकामी और गैर मुल्की अफराद को सफरी पाबंदी वाली रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में शामिल करने का ऐलान भी है। 8 अगस्त 2021 को सुबह 4 बजे के बाद से इन ममालिक से बरतानिया का सफर करने वालों को होटल करंतीना इख्तियार नहीं करना होगा। इसी वजह से इन ममालिक से भी वहां पे जाने वाले और वहां से इन ममालिक में वापस आने वालों की वजह से भी दुबई का एयरपोर्ट काफी रशी रह सकता है। दुबई एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा है कि दुबई इंटरनेशनल पाबंदियों में नरमी के बाद आने वाले हफ्तों में मुसाफिरों की तादाद में इजाफे से निमटने के लिए तैयार है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया की मसरूफ तरीन एयरपोर्ट में से एक है, जहां मुसाफिरों की बड़ी तादाद इंडिया से सफर करती है और अमारात की कौमी एयरलाइन का मरकज है। पॉल ग्रिफिथ्स का ये भी कहना था कि जनूबी एशिया और नाइजीरिया से अमारात आने वाले मुसाफिरों पर आयद पाबंदी में नरमी से UAE का अकामा रखने वाले हजारों अफराद वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि ये समाजी और माशी दोनों लिहाज से एक बड़ी और अच्छी पेशरफ्त है। ऐसे मुसाफिर जो मुतहदा अरब अमारात का सफर करेंगे या UAE के एयरपोर्ट्स को ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इनके लिए कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट साथ लाना लाजमी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक में रवां साल 8% इजाफे की तवक्को है, जो 2,80,00,000 मुसाफिरों तक पहुंच जाएगी। 2019 में कोरोना की वबा से कबल दुबई एयरपोर्ट के जरिए 8,64,00,000 मुसाफिरों ने सफर किया। तो इस तरह आने वाले दिनों में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोगों का रश होगा और गहमा गहमी होगी। वही हंसी मुस्कुराहटे वो जो लोग पहले बिखेरते थे बिखेरेंगे, लोगों से मिलेंगे और अपनी जिंदगी को इसी तरह से मोहब्बत अमन के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे।